जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम शो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मकर राशि के जातकों को ऐसे जीवन में कौन सी सलाह देनी चाहिए जिनसे कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए और बहुत बार वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इन चीज़ को मान के रखें। सबसे पहली और मुख्य सलाह आपके लिए है कि आप अपनी इज्जत को, या यूँ कहूँ कि आप अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि व्यक्ति का स्वाभिमान ही उसे एकमात्र ऐसी शक्ति है जो जीवन में हमेशा उत्साह, उमंग और जोश के साथ जीना सिखाती रहती है। क्योंकि जीवन एक बार मिला है, बहुत अनमोल जीवन है, इसमें कभी भी कोई गलत रास्ते पर और कोई गलत बात का बुरा हमें लग जाता है। और कभी बार, बहुत बार हम व्यक्ति भावुक होकर या किसी भी हालात को, हालात बड़ी चीज़ होती, हम किसी भी व्यक्ति के अपराध को तब तक सिद्ध नहीं कर पाते, अपराध के बारे में विवेचना तब तक नहीं कर पाते जब तक उस व्यक्ति के हालात के बारे में हमें नहीं पता है। तो हालात एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हालात, यूँ कहूँ कि हालात व्यक्ति को तोड़ देता है। तो अगर आपके जीवन में कभी भी ख़राब हालात हो, तो कहीं भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप पर ईश्वर की कृपा है, इस बात को हमेशा अपने मन में बिठा लें, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना यहाँ शायद तो दूर कल्पना भी नहीं है कि कुछ हो जाए, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा के बदौलत ही सब कुछ होता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों। मैं एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति था, लेकिन आज आप सभी को निःशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध करवा रहा हूँ। यह केवल और केवल ईश्वर की कृपा के माध्यम से हो पाया है। इसके अलावा न मेरे पास कोई शक्ति है, न कोई पावर है, और न कोई लोगों का हाथ है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, आनंद रहें और सकारात्मक रहें। और तीसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने इष्ट देव जरूर माने, गुरु बनाएं, गुरु भगवान को ही बना लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं किसी मानव को गुरु बनाने के लिए। और मैं तो बिल्कुल हिदायत नहीं देता हूँ लोगों को कि आप मानव को गुरु बनाएं। गुरु बनाना है तो ईश्वर को बनाएं, वो दुनिया का पालनहार है, तारनहार है, तो ईश्वर को गुरु बनाएं आप। मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, ईश्वर को गुरु बनाएं, उन्हें बिल्कुल उतना ही इज्जत दें जितने इंसान को आप जिस तरह से मेंटेन करते हैं, इज्जत देते हैं, उसी प्रकार वास्तव में उन्हें समझे कि हाँ ये है। तो निवेदन करता हूँ मैं आप सभी लोगों से कि आप इस बात को माने और गुरु ईश्वर को बना ले, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में और आगे बात करने से पहले मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम शायद कुछ है ही नहीं। और अपने दोस्तों को बतलाएं निःशुल्क ज्योतिष के बारे में, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।